भीड़ मेरे घर पे आई थी वह कहीं से भी आर्मी में जाने वाले जवानों की नहीं थी और सब तस्वीरें हैं। और मैं जान रहा हूँ कि आईआईटी के उस पार के मोहल्ले के कितने लोग थे, मेरे पीछे के मोहल्ले के कितने लोग थे, लगभग 100 लोग तो आइडेंटिफाइड हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन उन पर उचित कार्रवाई करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, में हूँ आपके साथ। शिवम अग्निपथ योजना को लेकर कल से ही पूरे देश सहित पूरे बिहार में छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से यह लगातार आग्रह कर रहे हैं कि इस योजना को अविलंब वापस ले लेना चाहिए। इसी क्रम में आपको बता दें कि आज बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बेतिया स्थित आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया, ईंट और पत्थर बरसाए, जिसके बाद आज डॉक्टर संजय जायसवाल ने साफ साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने मेरे घर के ऊपर हमला किया था उसकी मैंने पहचान कर ली है। और क्या कुछ कह रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पहले आप वो सुने। जानबूझकर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि युवाओं को अग्निवीर से कोई दिक्कत होने वाली है, जबकि यह बिल्कुल साफ है कि इसमें रेजिमेंटल सिस्टम खत्म नहीं होगा। 17 साल में जो बच्चे 12वीं पास नहीं किए होंगे, जब वह 4 साल उनका पूरा होगा तो उनको 12th का सर्टिफिकेट भी साथ में मिलेगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनको इसके स्किलिंग प्रोग्राम्स का पॉइंट मिलेगा और ग्रेजुएशन केवल वो लोग एक या दो सब्जेक्ट पढ़ करके वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा जो दुनिया के हर जगह मान्य होगा। इस पूरे 4 वर्षों के दरमियान लगभग 50 लाख रुपए इन युवाओं को मिलेगा। इस पूरे योजना को पूरी दुनिया की सभी जगह की फौजें करती हैं और इसका मूल उद्देश्य यह होता है कि कभी कोई अगर देश पे संकट आ जाए तो हमारे पास एक 35 साल से कम में 20 लाख की एक और रिजर्व फोर्स रहे जो कि देश के संकट में काम में आ सके। और इसी को देखते हुए आपको 4 सालों में 50 लाख का पैकेज दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में, बीएसएफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में सब जगह प्राथमिकता मिलेगी। बिहार सरकार पहले से ही अपने सैफ में मिलिट्री के रिटायर्ड जवानों को ही रखती है। तो यह पूरे देश में एक सिस्टम था कि जो 25% है वो तो आर्मी की जितनी सीटें हैं वह तो ऑलरेडी उतनी भर रही हैं, पर उसके अलावा भी एक जनरेशन में एक युवाओं को आर्मी के प्रति, देश के प्रति, और उनको जब वो हटें तो लगभग 25 लाख रुपए उनके हाथ में आएंगे। और इसके अलावा इन सभी को केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, 25 लाख की जो पीएमईजी की योजना है जो बिना किसी गारंटी के मिलती है वह भी मिलेगी। अर्थात अगर वह कोई युवा कोई काम धंधा करना चाहे तो 50 लाख रुपए उसको मिल सकते हैं। जो उसमें 25% रहना चाहेंगे वो रहेंगे, लेकिन यह पूरी एक पीढ़ी को तैयार करने का है कि कभी देश में कोई जिस तरह की घटनाएं घटी हैं यूक्रेन रशिया के युद्ध के दरमियान और दुनिया के हर जगह, चाहे वह इसराइल हो चाहे इंग्लैंड हो, ये आर्म्ड फोर्सेस की पीढ़ी तैयार की जाती है। जब आपको 4 साल में लगभग 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, 40 लाख की आपको काम धंधा करने का सुअवसर मिल रहा है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आपको 2 सब्जेक्ट की केवल पढ़ने पर मिल जा रहा है, आप एक स्किल्ड युवा होंगे जिससे जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं आप कहीं भी उठा के देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों को सबसे पहले वह रोजगार के अवसर देती है, क्योंकि वह जानती है कि ये युवा फिजिकली भी फिट हैं, देश के प्रति समर्पित हैं और ये अनुशासन में रह के आए हैं, इसलिए बहुत अच्छा मेरे यहाँ काम करेंगे, कोई नहीं है। लेकिन मेरे घर पे जो घटना घटी है उसमें सभी का सीसीटीवी पे मेरे पास चेहरा मौजूद है। मेरे घर को आग लगाने का प्रयास किया गया है और डीजल और मोबिल फेंका गया है, बगल के घर से भी पथराव किया गया है और एक पूरी साजिश के तहत यह हुआ सर, सिलेंडर बम भी निकला, सिलेंडर बम निकला है, पेट्रोल का नोजल पंप निकला है, यह एक पूरी साजिश थी मेरे घर को उड़ाने की। सर, सर, सरकार निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान में है और प्रशासन को दिखना चाहिए जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई मेरे ख्याल से संतोषप्रद मैं नहीं कर। इस तरह की घटनाएं जो हो रही है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं युवाओं से कहूंगा, ऐसे तो जो भीड़ मेरे घर पे आई थी
वह कहीं से भी आर्मी में जाने वाले जवानों की नहीं थी और सबकी तस्वीरें हैं। और मैं जान रहा हूँ कि आईआईटी के उस पार के मोहल्ले के कितने लोग थे, मेरे पीछे के मोहल्ले के कितने लोग थे, मैं बहुत सभी को आइडेंटिफाई भी कर चुका हूँ। लगभग 100 लोग तो आइडेंटिफाइड हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन उन पर उचित कार्रवाई करेगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कहना है कि लगभग 100 लोगों की पहचान जो है वो मैंने कर ली है और सभी लोगों को मैंने इतला भी कर दिया है और प्रशासन को भी कह दिया है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से जो प्रदर्शनकारी मेरे घर पर आकर हमला किए हैं वो कभी भी सेना में नहीं जा सकते हैं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।